आप पाकिस्तान से हारो पाकिस्तान से जीतो, ये जो पहला इस बार को वर्ल्ड टी20 है जो प्लेसिंग ग्रुप है वो नूरा कुश्ती है, वो नूरा कुश्ती है, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने क्वालिफाई करना है। एक एग्जांपल ले, लोगों को बहुत बुरा लगना चाहिए और लगे, कर लो जिसको जिसने गाली देनी है दे दो यार, ट्रोल कर लो। अब वर्ल्ड कप फाइनल उठा लो, एक आउट हुआ, एक के साथ दूसरा आउट हो गया, अगले 20 ओवर आपका चौका नहीं। अब आप मुझे बता दीजिए क्या एक और मैच मिलना था? आप एक बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करना, इस सारे इंडिया के फैंस की बात कर रहा हूं मैं भाई। टी20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चबवा दिए थे, एशिया कप में इनके दो मुकाबले हुए, एक वो जीते और जो हम जीते वो लास्ट में फंसा, तो हम जीते पहला लास्ट में, लास्ट फिर वो लास्ट में जीत गए, हम फाइनल नहीं खेले थे। हिम्मत कैसे हो गई इसके बारे में, हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में, ओए पाकिस्तान तुम आ जाओ। पाकिस्तान टी20 में डेंजरस है, वनडे में हो सकता है वो इतने डेंजरस ना हो, पर टी20 से लॉटरी, उन्होंने आपके चार ऊपर से आउट कर दिया था, आपको मर गए थे उसे। 2007 वर्ल्ड टी20 फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आज तक के स्टूडियो में पाकिस्तान ढह गया था, तो बिल्कुल ऐसे आई वही हुआ पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त होने के बावजूद विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान टीम को कमजोर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने माजी का भी हवाला देते हुए पाकिस्तान टीम को बहुत ही एक मजबूत टीम करार दिया है। उनका कहना है कि आगे आने वाले मैचों में पाकिस्तान की टीम खतरनाक हो सकती है, खास करके टी20 वर्ल्ड कप में जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया की टीम से होगा 9 मई को, ये मैच अमेरिका में खेले जाएगा। आइए देखते हैं कि इसके ऊपर विक्रांत गुप्ता क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट फलाना ऑफ क्रिकेट खेला जाता है और ये इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा होता है। द मोमेंट कोई आईसीसी टूर्नामेंट आता है, जितने आपके बड़े खिलाड़ी होंगे, एस्टैब्लिश प्लेयर्स होंगे, मुझे एक आप एस्टैब्लिश प्लेयर बता दीजिए जिसकी दुनिया में इतना नाम हो और वो आईसीसी के टूर्नामेंट में ये सोच के जाए कि मुझे अपनी विकेट पे प्राइस नहीं लगानी है, मैं तो 10 बॉल में बना दूंगा 22 रन, नहीं मिलेगा। कैनेडा, नमीबिया, शुंगलू फुंगलू वो सब आपको मिल जाएंगे, उनको आप रगड़ो जितना रगड़ना है, वो आपके रन भी बनेंगे, आपके बूंदियां भी उड़ा दोगे आप। ये पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान की हार जीत पे आपका कोई डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि दो टीमों ने आगे जाना ही जाना है और उसमें सीडिंग आपकी पहले से तय है। आप पाकिस्तान से हारो पाकिस्तान से जीतो, ये जो पहला इस बार का वर्ल्ड टी20 है जो प्लेसिंग ग्रुप है वो नूरा कुश्ती है, वो नूरा कुश्ती है, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने क्वालिफाई करना है, इंडिया का जो सीडिंग है उसके हिसाब से आइलैंड अपसेट में कर दिए। मतलब जो बात, अगर आपने नूरा कुश्ती आप चले गए, उसके बाद आपके 3 मैचेस हैं, सब्जेक्ट टू वो तीनों टीमें अपना अपना जीत के आए, वो है सर न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, 2 मैच जीतोगे फिर आप जाते हो सेमीफाइनल में। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये शुंगलू फुंगलू को आप लूट लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आएगी बड़े मैचों में, और बड़े मैच का सर आपको जिंदगी में मैंने देखा है वर्स्ट केस लेके चलना पड़ता है, और वर्स्ट केस में क्या आपके पास वो असला है? द सिचुएशन हैज चेंज्ड। आज भी हम, मैं बार बार कह रहा हूं, वनडे क्रिकेट है, स्ट्राइक रोटेट, ठीक है, मिला तो चौका मार दो, मिला तो छक्का मार दो। सर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, लोगों को बहुत बुरा लगना चाहिए और लगे, कर लो जिसको जिसने गाली देनी है दे दो यार, ट्रोल कर लो। अब वर्ल्ड कप फाइनल उठा लो 2019 का, ये 23 का, आप टॉप टीम हो, आपने क्या क्रिकेट खेली है, आपने क्या बैटिंग की है, क्या आपने बॉलिंग की है, अचानक से क्या होता है, आपके 10 में 80 रन भी है, एक आउट हुआ, एक के साथ दूसरा आउट हो गया, अगले 20 ओवर आपका चौका नहीं है। अब आप मुझे बता दीजिए क्या एक और मैच मिलना था? अगले दिन एक और 50 ओवर तो नहीं मिलने थे ना, जो मिलना था वही मिलना था। टी20 में भी ऐसे करोगे, टी20 में आपको मालूम है, आप एक बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करना, इस सारे इंडिया के फैंस की बात कर रहा हूं मैं भाई। टी20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चबवा दिए थे, विराट के लास्ट 3 ओवर जो थे वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल गए, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल गए, 3 ओवर नीचे तो उन्होंने लगा दिया था आपको, फिर उससे बैक काउंट कीजिए, उससे ठीक पहले वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से ठीक पहले एशिया कप में इनके 2 मुकाबले हुए, एक वो जीते और जो हम जीते वो लास्ट में फंसा, तो हम जीते पहला लास्ट में, लास्ट फिर वो लास्ट में जीत गए, हम फाइनल नहीं खेले थे। सो पॉइंट इज, और उससे पीछे जाए दुबई वाला वर्ल्ड टी20 वो आपको मार के चले गए। सो ऐसा नहीं है आंख, मैं ना कभी कभी फैंस को देख के बड़ा हैरान भी होता हूं, शायद ये हमारा कल्चर ऐसा बन गया है कि हिम्मत कैसे हो गई इसके बारे में, हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में, ओए पाकिस्तान तुम आ जाओ। पाकिस्तान टी20 में डेंजरस है, वनडे में हो सकता है वो इतने डेंजरस ना हो,
टेस्ट क्रिकेट हो सकता है उतने डेंजरस एज ऑफ टुडे नाउ, बट T20 इज अ लॉटरी, उन्होंने आपके चार ऊपर से आउट कर दिया था, आपको मर गए थे उसने। सो अब अगेन इंडिया पाकिस्तान का मैच अल्टीमेट एनालिसिस में शायद मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो नूरा कुश्ती के ग्रुप के मैच, दोनों ने जाना ही जाना है, मोमेंटम तो मैटर करेगा ना। आप दुबई में पहला मैच खेलने गए थे, पहला मैच आपके आउट हुए, आपने अगले मैच में क्या किया, बातें तो हमने बहुत की, अगले मैच में आपने बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया। मुझे याद है 2007 वर्ल्ड T20, और मैं आपको अनिल गवाह है, 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आज तक के स्टूडियो में पाकिस्तान ढह गया था, पाकिस्तान खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। एक स्टेज पे आप उनकी बैटिंग उठाए, दे वर नो वेयर इन द पिक्चर, कपिल देव बैठे हुए थे हमारे साथ, तजुर्बा है ना, और हम लोग वो कॉन्फिडेंट जीत गया, इंडिया वर्ल्ड T20 जीत गया, ऐसे बैठे हुए थे, चार ओवर शायद रह गए थे, कहते अब मैच बदलेगा, मैंने कहा अब कहां बदलेगा, पारी खत्म हो गया, कहते ना मैच अब बना है, इस टीम को ना अब ये एहसास हो जाएगा कि हम खत्म हो गए, अब वो उस दबाव से निकल के आएंगे कि हमें बनाना है, अब वो खुल के आएंगे, वो बिल्कुल ऐसे आएंगे, वही हुआ, ठा ठा ठा, पता चला जी आप तो मैच हारने वाले लग रहे थे एक स्टेज पे। सो इंडिया वो नहीं करता, जब हम कुएं में गिरते हैं तो हम हाथ पैर नहीं मारते, हम ना आराम से रस्सी को पकड़ के बस खड़े हो जाते हैं कि रस्सी क्या ऑटोमेटिकली तो खुद ही ऊपर चली जाएगी, नहीं जाएगी रस्सी ऊपर, आप रस्सी को कितनी देर पकड़ लोगे, आप डूबोगे डूबोगे, आपको उस रस्सी को ऊपर चढ़ के आना है, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द ब्लू। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।